जब बोल ना पाता था तो मेरी बात समझ जाती थी, मेरे आंसुओं को अपनी गोदी से सहलाती थी। जब मैं गिर जाता था तो जमीन को डांटती थी, चींटी मर गई ये बोल मुझे बहलाती थी। मेरी मां ने मुझे सिर्फ जिंदगी नहीं जीने का तजुर्बा भी दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूं मेरी मां की वजह से हूं, मैं मेरी मां की परछाई हूं। तो अब बारी है उन्हें पहचान देने की जिन्होंने हमें पहचान दी है। टू ऑल मदर्स, वेलकम टू माई किंगडम। अब इन सुपर 16 सुपर मॉम्स को जज करने मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा जिसे मैं मेरी जिंदगी में सुपर मॉम समझता हूं, फरा। पालकी आओ तो दे पालकी। तो उसमें हम बैठे थे। ओ भाई तुम पालकी में बैठे मैंने देखा, लेकिन क्यों बैठे? दादा पालकी वहां से आ रही थी, कोई नहीं था, हमने सोचा हम ही बैठ जाते आपके पैसे बच जाएंगे, ऐसे बिगाड़ना नहीं चाहिए ना आपका पैसे। तो पैसे दिए, फिक्र करते हैं आप। एक मिनट, ये पैसा मैंने तुम्हारे लिए खर्च नहीं किए, मेरी प्यारी फरा के लिए। दादा घुसे कहां से? दादा फरा जी ना वो अभी भी बीमार है और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो जल्द लौटेंगी, लेकिन उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन तुम कहां से आए? दादा क्या बताऊं दादा, मेगाडेशंस में इतना मजा किया हमने और इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिखे कि मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ठीक है, वैसे देखा जाए तो तुम डीआईडी फैमिली के एक अहम हिस्सा हो। थैंक यू दादा। थैंक यू दादा। दादा मैं देख रहा हूं जब से डीआईडी सुपर मॉम शुरू हुआ है आप तो हमें भूल ही गए हैं। हाँ क्या करूं यार, पता नहीं मैं तुझे क्यों भूल जाता हूं। ठीक है दादा बहुत हो गया, लेकिन अब मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं इस शो को होस्ट नहीं करने वाला हूं, मैं भी जा रहा हूं। अरे जय दादा, नहीं मुझे रोकने की कोशिश मत करना। जय मेरी बात तो सुन। क्या? मैं तुझे इसलिए रोक रहा हूं कि ट्रॉफी वहां रख दे। पहले दिन ही बेइज्जती। मैंने प्लान चेंज कर दिया यार, मैं तो चला जाता था, लेकिन ये ग्रैंड प्रीमियर है कि नहीं? ग्रैंड प्रीमियर है ना, तो ग्रैंड प्रीमियर तभी होगा ना जब ये ग्रैंड होस्ट यहां पर होगा, है कि नहीं? हाँ। और आपको बता देता हूं एक और रीजन है यहां पर मेरा रुकने का कि मेरी एक खास दोस्त यहां पर आई है, यू नो शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एकदम फैमिली रिलेशन है हमारा और उनका। ये पहले तो तू शो के बीच में देता था, अब तो शुरू में ही देगा। मैं लूं क्या अभी? बोल लीजिए दादा बोल लीजिए, लेकिन जब वो आएंगी, सच्ची कह रहा हूँ, शो की चार चांद लग जाने वाले हैं, नाम बदल देना अगर वो यहाँ पर आए और लोग पागल ना हो जाए तो। ठीक है, तो अभी से तेरा एक नाम तू फिक्स कर ले, सोच ले, और अगर हिम्मत है तो बुला तेरी फोन। चल
बुला। चलो डन फिर। हाल चाल बुला यार। तो इस ग्रैंड प्रीमियर को और भी ग्रैंड बनाने में मैं बुलाना चाहूंगा घनचक्कर की एक्ट्रेस विद्या बालन को। एक सेकेंड। हेलो, मैंने तो विद्या बालन को बुलाया था, आप कौन हो? मैं नीतू। तू कौन है? अरे मेरे शो में आके मुझसे पूछ रही है कि कौन है? हेलो 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 नीतू जी। जी बाटा की हाल चाल है जी? ठीक है जी, ठीक है। अच्छा नीतू जी, एक बात बताओ, यहाँ आप किसके लिए आई हो? घन चक्कर के लिए या? मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ मेरे लिए जिम्मी के लिए। जिम्मी 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 मैंने कहा ना घन चक्कर, तू घन घनाता रह जाएगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए विद्या के लिए। थैंक यू। अर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी। अर्जी आपका हुक्म सलाखों पर बेबे। बेबे जो अर्जी करोगे ये मर्जी करेगा। अरे भाई तू सचमुच बोलता है, यू विल डेफिनेटली कम अप। अब आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं ओरल बी प्रेजेंट्स डीआईडी सुपर मॉम्स के ग्रैंड प्रीमियर पर। वेल